हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित कुछ प्रश्नों के विषय में। और दोस्तों, ये वो प्रश्न है जो आपसे टेस्ट में पूछे गए थे और टेस्ट लिया गया था हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर। दोस्तों, अगर आप भी हमारी रीट SST की फ्री टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वहाँ पर जाकर के आप फ्री टेस्ट दे सकते हैं, अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं। उसके बाद में जो उसका हल होता है उसके विषय में अपने यहाँ पर डिस्कशन भी करते हैं, यानी उसको उसका वीडियो सोल्यूशन है वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाता है। तो चलिएगा, शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को जो आधारित है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ये इसका पहला पार्ट है जो हमारा आधारित है 1885 से 1919 पर। यानी यहाँ हम देखेंगे 1885 से लेकर के 1919 तक के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की घटनाएं। और इसमें जो हमारा पहला प्रश्न है वो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। यहाँ ये नहीं पूछा गया है कि कौन थे, तो कौन होता तो AO ह्यूम अपने सभी बता सकते थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया गया है और आपसे ये पूछा गया है कि वो करते क्या थे। असैनिक सेवक थे और विज्ञानी थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, मिलिट्री कमांडर थे, कौन थे दोस्तों? तो बताइएगा दोस्तों, कौन थे, क्या है हमारा सही आंसर? तो दोस्तों, हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर एक, वो थे असैनिक सेवक। थोड़ा इसके विषय में डिस्कस कर लेते हैं। तो हमें ये याद होगा कि इसके संस्थापक कौन थे दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, वो थे AO ह्यूम। इनका पूरा जो नाम है ये भी देख लीजिएगा, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ये इनका पूरा नाम था जिनके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और ये भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। तो ये कहाँ थे? भारतीय सिविल सेवा में थे, न कि ये कोई क्या थे, सैन्य अधिकारी थे दोस्तों। 1884 के अंदर इन्होंने स्थापना की थी भारतीय राष्ट्रीय संघ की। किसकी स्थापना की पहले दोस्तों? 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, 1884 के अंदर इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ही एक अग्रदूत माना जाता है। कलकत्ता, बंबई और मद्रास का दौरा करने के बाद में इन्होंने ये घोषणा की कि दिसंबर कौन सा दिसंबर 1885 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय संघ जो है उसका सम्मेलन पुणे में आयोजित किया जाएगा। इन्होंने ये कहा कि भारतीय राष्ट्रीय संघ जो उन्होंने 1884 में बनाया था उसका दिसंबर 1885 के अंदर जो वार्षिक सम्मेलन होना है वो पुणे के अंदर आयोजित किया जाएगा दोस्तों। और जिसमें तीनों महाप्रांत, जिसकी हमने बात की थी, कलकत्ता, बंबई और मद्रास, इसमें तीनों प्रांतों के महाप्रांतों के सभी भाग जो हैं, सभी भागों के शिक्षित प्रतिनिधि हैं वो शामिल होंगे। लेकिन आपको याद होगा पुणे में फैल गया था हेजा, तो इस कारण से पुणे का स्थान बदल करके बंबई कर दिया गया। बंबई में कहाँ पर दोस्तों? तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बंबई। तो इसका जो अधिवेशन है वो कहाँ पर कर दिया गया? पुणे से बदल के भारतीय सॉरी तेजपाल संस्कृत विद्यालय में कर दिया गया। और इसका पहला जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 28 दिसंबर 1885 को, इसका पहला अधिवेशन होता है। और इसी सम्मेलन के अंदर दादा भाई नौरोजी, ये भी आपको याद रखना है, दादा भाई नौरोजी के आग्रह पर ही इसका नाम बदल करके, भारतीय राष्ट्रीय संघ जो था उसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। इस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। और जो हमारा प्रश्न था कि AO ह्यूम कौन थे, तो वो असैनिक सेवक थे, ये बात भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न को देखें तो दूसरा हमारा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? आपको ये बताना है कौन थे दोस्तों। अबुल कलाम आज़ाद थे, रफ़ी अहमद किदवई थे, MA अंसारी थे, या फिर बदरुद्दीन तैयब जी थे, कौन थे दोस्तों? इन चारों में से आपको सही आंसर बताना है। उम्मीद करता हूँ सभी का सही होगा, चेक कर लीजिएगा। तो हमारा जो सही आंसर है वो है बदरुद्दीन तैयब जी।
ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष बनने का गौरव बदरुद्दीन तैयब जी को ही है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27 से 30 दिसंबर 1887 को जो मद्रास में सम्मेलन हुआ था, मद्रास में सम्मेलन हुआ तीसरा, आप इसको इस तरह से भी याद रखें या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कौन से सम्मेलन या कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। तो इस प्रकार से ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष स्वीकार किए जाते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने ये अभिव्यक्त किया था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। ये प्रश्न भी पूछा जाता है, ये कहने वाले कौन थे कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है मैं उसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था, तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। यहाँ आपसे पूछा गया है कि कौन से अधिवेशन में ये बात की गई थी, बनारस अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन में या फिर लखनऊ अधिवेशन में, किस अधिवेशन में ये बात की गई थी, क्या है दोस्तों सही आंसर हमारा, तो चेक करिएगा दोस्तों, सही आंसर है हमारा वो है नंबर 4, लखनऊ अधिवेशन में ये बात कही गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन था 1916 में। ये जो 16 का अधिवेशन था उसमें बाल गंगाधर तिलक ने ये कहा कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। और ये अधिवेशन इसलिए भी जाना जाता है कि इसके अंदर उग्रवादी दल के जो नेता थे, उग्रवादियों की वापसी होती है कांग्रेस के अंदर, वापसी हुई। और तिलक और एनी बेसेंट, ये भी आपको याद रखना है, एक और फैक्ट है यहाँ पर, तिलक और एनी बेसेंट जो थी, तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो थी उनके बीच में भी समझौता हुआ था। तो इसे अपने लखनऊ समझौते के नाम से भी जानते हैं, तो लखनऊ समझौते के रूप में भी यही जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा, तीन बातें हमें याद रखनी है, एक तो लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था 1916 में हुआ था, लखनऊ अधिवेशन में ही उग्रवादियों की जो वापसी है, यानी जो कांग्रेस के ही दो भाग हो गए थे, उग्रवादियों की वापसी इसमें होती है, और तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता भी होता है, जिसे हम मुस्लिम लीग समझौता या फिर लखनऊ समझौता के नाम से जानते हैं। प्रश्न चाहे किसी भी प्रकार से आए, आपका आंसर सही होना चाहिए। तो यहाँ पर ये मुख्य बातें थी जिनको हमें जानना था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला हमारा प्रश्न है कि जन गण मन जो है वो पहली बार किस अवसर पर गाया गया था, ये आपको याद रखना है। ये कौन सा अधिवेशन था जिसके अंतर्गत जन गण मन जो है उसे पहली बार गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1896, 1905 का, 1911 का या 1919 का कब गाया गया था दोस्तों, क्या है हमारा सही आंसर। तो दोस्तों बिल्कुल फैक्ट का क्वेश्चन है, सही आंसर हमारा नंबर 3, 1911 का ये अधिवेशन था। तो देखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये रचित था, मूल रूप से बांग्ला में रचित और संगीतबद्ध जो जनगण मन है उसके हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय गान के रूप में 24 जनवरी 1950 को जो है अपनाया था भारतीय राष्ट्रीय गान के रूप में। लेकिन सर्वप्रथम कब गाया गया था, तो दिसंबर 1911 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन था, ये भी आपको याद रखना है, कौन सा अधिवेशन है, ये कलकत्ता अधिवेशन है जिसके अंदर इसे गाया गया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके फलस्वरूप नरम दल और गरम दल का उदय हुआ, ये आपको बताना है। तो दोस्तों कौन सा था, स्वदेशी आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन था, असहयोग आंदोलन था या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन था, कौन सा था दोस्तों, क्या है हमारा सही आंसर। तो चेक करिएगा, सही आंसर हमारा वो है नंबर 1, वो था स्वदेशी आंदोलन। तो देखिएगा दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी में क्या हुआ, स्वदेशी चीज़ों को अपनाओ और साथ ही साथ विदेशी चीज़ों का क्या करो, बहिष्कार करो। तो स्वदेशी आंदोलन और विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार का जो मामला था उसको बंगाल से बाहर प्रसार को लेकर के
विवाद होता है कि बंगाल से बाहर इनका प्रसार किया जाए या न किया जाए, तो इस कारण से उग्र पंथ था एक और एक नरम पंथ था, दो पंथ थे कांग्रेस के अंदर, इनके मध्य मतभेद हुआ था दोस्तों। किस बात को लेकर कि जो ये स्वदेशी आंदोलन और विदेशी बहिष्कार है उसको बंगाल से बाहर भी लेकर के जाए। तो गर्मपंथी जो थे वो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को बंगाल तक ही सीमित न रख करके उसे बाहर भी ले जाना चाहते थे, लेकिन वे केवल विदेशी माल के बहिष्कार से संतुष्ट भी नहीं थे, बल्कि वे चाहते थे कि अंग्रेजी हुकूमत जो है उसका किसी भी प्रकार से सहयोग भी नहीं करना चाहिए। तो ये दो बातें थी जिनके लिए इनके अंदर विवाद हुआ था। नंबर एक तो जो हमने कही थी कि ये तो स्वदेशी आंदोलन और विदेशी बहिष्कार हैं, उसे बंगाल से बाहर भी लेकर के जाए जिसके अन्य हिस्सों तक पहुंचाया जाए, और दूसरा ये केवल इससे संतुष्ट नहीं थे बल्कि ये चाहते थे कि अंग्रेजी हुकूमत का भी किसी प्रकार से हमें कोई भी सहयोग नहीं करना है। तो इस बात को लेकर के नरम दल और गर्म दल के अंदर जो है इनका बंटवारा हो जाता है। तो नींव हमारी यही थी, स्वदेशी आंदोलन है जिसको आपको अच्छे से याद रखना है। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। तो अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से भारतीय अशांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ए ओ ह्योम को, लोकमान्य तिलक को, दादा भाई नौरोजी को, महात्मा गांधी को, किसे जाना जाता है भारतीय अशांति के जनक के रूप में? तो दोस्तों सही आंसर है हमारा वो है लोकमान्य तिलक जो है उसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो देखिए तिलक जो है वो सेवा और बलिदान में विश्वास करा करते थे और उनमें सरकार की सत्ता को चुनौती देने का साहस भी था, वो सीधे उसको चुनौती देते थे सत्ता को, और उन्हीं के प्रयासों का ये परिणाम था कि कांग्रेस सरकार की प्रशंसा करने वाली संस्था से बदलकर सरकार की आलोचक संस्था बन गई थी दोस्तों। तो कांग्रेस जो है पहले तो सरकार का सपोर्ट ही करती थी और सरकार के अंदर ही जो है वो अपनी मांगों को मनवाना चाहती थी और प्रशंसा करती थी, लेकिन उसके बदले इन्हीं के कारण जो है वो प्रशंसा करने वाले के स्थान पर क्या बन गई, कांग्रेस एक आलोचक संस्था बन जाती है। अब देखिएगा एंग्लो इंडियन नौकरशाही जो है वो उन्हें विद्रोही समझती थी, अंग्रेज सरकार उसे क्या समझेगी, विद्रोही ही समझेगी। और वैलेंटाइन शेरोल, ये नाम आपको याद रखना है, वैलेंटाइन शेरोल जो है वो इन्हें भारत में अशांति का जन्मदाता कहते हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है किसने कहा था, तो शेरोल ने कहा था, और शेरोल और इसी कारण से तिलक शेरोल पर मानहानि का मुकदमा चलाने के उद्देश्य इंग्लैंड भी गए थे, लेकिन वो मुकदमा हार जाते हैं, लेकिन इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था दोस्तों, तो याद रखिएगा। तो इतना बड़ा नाम है कि इन्हें जो अशांति का जनक कहने वाले कौन थे, शेरोल थे, और शेरोल इसको शेरोल कर लीजिएगा दोस्तों, शेरोल ने उन्हें कहा था और शेरोल पर इन्होंने मानहानि का मुकदमा चलाया और मुकदमा चलाने के लिए वो इंग्लैंड तक चले गए थे दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न के। सातवां हमारा प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्न में से कौन सा एक निरूपित करता है? अच्छे से पढ़िएगा ऑप्शन को और आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। जो दो विचारधाराएं थी नरम पंथ और उग्र पंथ या नरम दल और गर्म दल के रूप में हम इसे बांट सकते हैं, तो दो जो विचारधाराएं थी उनमें से उग्रवादी विचारधारा को निम्न में से कौन सा कथन है जो वो सही साबित करता है? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? तो सही आंसर हमारा वो है नंबर दो, यानी संवैधानिक साधनों और याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन की स्थापना ये करना चाहते थे। जहां उदारवादी जो दल था वो संवैधानिक आंदोलनों में, अंग्रेजों के न्यायप्रियता में, वार्षिक सम्मेलन, भाषण देना, प्रस्ताव पारित करना, इंग्लैंड में शिष्टमंडल भेजना, इस प्रकार की भावनाओं में विश्वास करता था। किसकी बात कर रहा हूँ, उदारवादी दल की। तो उदारवादी दल क्या करता था, संवैधानिक आंदोलन करता था, न्यायप्रियता में विश्वास करता था, वार्षिक सम्मेलन कर लेता था, भाषण देना, प्रस्ताव पारित करना, शिष्टमंडल भेजना, इस तरह के कार्य करता था। जबकि दूसरी ओर उग्रवादी जो दल था वो किस में विश्वास करता था, वो आक्रामक प्रतिरोध के अंदर देखिए विश्वास करता था। तो वो सामूहिक आंदोलन के अंदर आत्म बलिदान के लिए दृढ़ निश्चय में विश्वास करता था, उन्होंने के साथ साथ उनके लिए जो स्वराज है उसका अर्थ था विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता,
उनके लिए स्वराज का जो उद्देश्य था वो था विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता, लेकिन उदारवादी जो थे उनके लिए जो स्वराज था उसका अर्थ था साम्राज्य के अंदर औपनिवेशिक शासन। तो उदारवादी जो हैं वो औपनिवेशिक शासन की ओर चलते थे, लेकिन जो उग्रवादी थे या फिर हम कहें जो उदारवादियों के विपरीत थे वो ये विश्वास करते थे कि विदेशी नियंत्रण से हमें पूर्णतया स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। बात करें अगले प्रश्न की। अगला हमारा प्रश्न है मुजफ्फरपुर बम कांड 1908। हम किसकी बात कर रहे हैं? मुजफ्फर बम कांड 1908 जो है उसका संबंध किसके साथ में है? सावरकर के साथ में है, अजीत सिंह के साथ में है, या प्रफुल्ल चाकी के साथ में है, या फिर विपिन चंद्र पाल के साथ में है? इनमें से किसके साथ में है दोस्तों, ये हमें बताना है। क्या है हमारा सही आंसर? उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा, तो चेक करिएगा। हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3, प्रफुल्ल चाकी का संबंध है। तो किस प्रकार से देखिएगा, बात करते हैं 30 अप्रैल 1908 की। 30 अप्रैल 1908 के बिहार का मुजफ्फरपुर था, उसमें खुदीराम बोस और साथ में थे प्रफुल्ल चाकी। ये इन्होंने बम फेंका, किस पर फेंका था? किंग्सफोर्ड पर, याद रखिएगा, किंग्सफोर्ड पर बम फेंका। लेकिन किंग्सफोर्ड तो क्या है, बच गया, और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले एक व्यक्ति थे मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री वो है जो इसमें मारी जाती है। तो इन्होंने हमला तो किस पे किया था, किंग्सफोर्ड पे किया था, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले सहयोगी ही कह सकते हैं, या समर्थक, अगर कोई देखिए विरोधी नहीं है तो समर्थक के रूप में भी अपने उसको देख सकते हैं। कैनेडी की पत्नी और पुत्री जो है वो मारी जाती है। तो प्रफुल्ल चाकी जो है पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली, और खुदीराम जो बोस था उसे गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई थी दोस्तों। तो इस प्रकार से ये हमारा स्टेटमेंट आता है कि मुजफ्फरपुर बम कांड जो 1908 है उसका संबंध किसके साथ में है, प्रफुल्ल चाकी के साथ में है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला हमारा प्रश्न है निम्न में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी दी थी दोस्तों। चार नाम हमारे पास में है, किसे फांसी दी थी काकोरी षड्यंत्र के नाम पर? तो दोस्तों क्या है हमारा सही आंसर? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2, राम प्रसाद बिस्मिल जो है इन्हें फांसी दी गई थी। किसको दी गई थी दोस्तों? राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा फांसी दी गई थी। तो यहाँ थोड़ा सा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। बात है अक्टूबर 1924 की। 1924 के अंदर सचिंद्र सान्याल एक, हम अभी जिसकी बात कर रहे हैं राम प्रसाद बिस्मिल की बात कर लेते हैं, और चंद्रशेखर आज़ाद, मैं इसको सीधा आज़ाद ही लिख रहा हूँ, आज़ाद जो हैं इन्होंने मिलकर के एक क्रांतिकारी सभा की स्थापना की जिसे हम कहते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, यानी HRA की स्थापना जो है इनके द्वारा की गई थी। और इसी संस्था के द्वारा 9 अगस्त 1925 को एक स्थान है उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर, कौन से स्थान की बात कर रहे हैं, काकोरी नामक स्थान पर एक ट्रेन थी 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन, उस पर ये डकैती डालते हैं, सरकारी खजाने को लूट लेते हैं, और ये जो घटना है वो प्रसिद्ध होती है काकोरी कांड के नाम से। इस काकोरी कांड के अंदर 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया जाता है, कितने, 29, जिसमें से रामप्रसाद बिस्मिल थे, अशफाकुल्ला खां थे, रोशनलाल थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे, इनको फांसी होती है, लेकिन आज़ाद जो हैं वो इसमें फरार हो जाते हैं जैसा कि अपने जानते हैं, और ये पुलिस की गिरफ्त में कभी भी आए नहीं थे, और HRA के ये एकमात्र ऐसे सदस्य थे जो कभी भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आते हैं, और अंत में काकोरी कांड मुकदमा से ये बच भी निकले थे। लेकिन 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क के अंदर ये पुलिस से मुठभेड़ होती है, वहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर किसको चढ़ा दिया गया था, राम प्रसाद बिस्मिल जो है इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया था। इसके साथ में अशफाकुल्ला खां, रोशनलाल और राजेंद्र लाहिड़ी जो हैं वो भी थे, जिनको
जो है फांसी दी गई थी। दोस्तों इसके बाद में बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला हमारा प्रश्न है वो है दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। दोस्तों ये आपको बताना है कहाँ पर किए थे, अलीगढ़ में, इलाहाबाद में, लखनऊ में या फिर लाहौर में। दोस्तों कहाँ पर आयोजित किए गए थे। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप सभी का सही होगा, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ें अपने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, लखनऊ के अंदर। अभी हमने इसके विषय में चर्चा भी की थी। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी का जो प्रारंभ है वो किसके द्वारा किया गया था। हमने क्या बात की है, इंडियन होम रूल सोसाइटी जो है उसकी स्थापना लंदन में किसके द्वारा की गई थी। एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी, तिलक के द्वारा की गई थी, गांधी के द्वारा की गई थी या फिर देखिए श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई थी। दोस्तों क्या है हमारा सही आंसर, तो लंदन में होम रूल सोसाइटी का प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 4, श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ये सही आंसर है हमारा। फरवरी 1905 की अपने बात करें तो लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने जो है इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी और इन्होंने ही इंडिया हाउस की स्थापना भी की थी। दोस्तों इन्होंने ही क्या की थी, इंडिया हाउस की स्थापना की थी और यहाँ से एक समाचार पत्र भी निकलता था, द इंडियन सोशलिस्ट। ये एक समाचार पत्र का प्रकाशन भी यहाँ से प्रारंभ किया गया था। दोस्तों और लंदन में सरकारी तंत्र थोड़ा ज़्यादा सक्रिय हो गया, इसके कारण से श्याम जी को वहाँ से पेरिस और अंततः देखिए जिनेवा जाना पड़ा था। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं इंडियन होम रूल सोसाइटी जो है किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी, श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा, लंदन में की गई थी, 1905 में की गई थी, इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी और उन्होंने ये एक समाचार पत्र का प्रकाशन भी किया था। बात करें अगले प्रश्न की, अगला हमारा प्रश्न है वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया। 4 ऑप्शन है हमारे पास में, लाला हरदयाल, लाला लाजपत राय, भगत सिंह या बरकतुल्ला खान। किसके द्वारा की गई थी। दोस्तों क्या है हमारा सही आंसर, तो दोस्तों सही आंसर है हमारा वो है नंबर 1, लाला हरदयाल। तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात भी है। बात है 1913 की और नाम है सोहन सिंह भाकना। तो सोहन सिंह भाकना जो थे इन्होंने स्थापना की थी हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट, इसकी स्थापना की थी सोहन सिंह भाकना ने। हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट की स्थापना की थी दोस्तों, और इस संस्था के द्वारा एक अखबार निकाला गया था गदर। कौन सा समाचार पत्र निकाला गया था, गदर, और इस संस्था का नाम भी इसी के आधार पर क्या पड़ गया, गदर पार्टी, इस अखबार के नाम पर ही। अब देखिए ये नाम भी थोड़ा टिपिकल था इसलिए भी अपने कह सकते हैं, तो जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी हो गया। तो और लाला हरदयाल जो थे इस संस्था के पथ प्रदर्शक रहे तो इसलिए इन्हें श्रेय दिया जाता है दोस्तों, अन्यथा अगर अगर सोहन सिंह भाकना अगर ऑप्शन में नाम हो तो सही आंसर हमारा कौन सा होगा, सोहन सिंह भाकना होगा। लेकिन चूंकि प्रश्न के अंदर लाला हरदयाल दिया हुआ है तो इसलिए अपने हरदयाल को करते हैं, और अधिकतर परीक्षा में यही आता है। अगर कभी दोनों नाम आ जाए तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा दोस्तों, तो वहाँ पर थोड़ी बहुत गड़बड़ जो है वो आपके द्वारा हो सकती है। तो सोहन सिंह भाकना जो थे उनके द्वारा हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट की स्थापना की गई थी और उसी का नाम जो है गदर पार्टी हो गया, क्योंकि गदर नामक एक समाचार पत्र जो है वो इनके द्वारा निकाला जाता था। चूँकि ऑप्शन के अंदर मोहन सिंह भाकना नहीं है इसलिए हम किसको कर रहे हैं, लाला हरदयाल को सही कर रहे हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला हमारा प्रश्न है बंग बंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था। क्या है सही आंसर हमारा, 20 जुलाई 1905, 7 अगस्त 1905, 16 अक्टूबर 1905 या फिर 7 नवंबर 1905। तो दोस्तों क्या है हमारा सही आंसर, तो चेक करिएगा, सही आंसर हमारा वो है 7 अगस्त 1905 जो है इसे चालू किया गया था। बात करते हैं 20 जुलाई 1905 की। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की जाती है।
7 अगस्त 1905 जो है कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक होती है और उसके अंदर स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की जाती है, जो कि बंग भंग विरोधी आंदोलन था। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की जाती है और इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार का प्रस्ताव जो है वो पारित होता है और इसी के बाद से बंगाल के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर बंग भंग विरोधी आंदोलन जो है वो चालू किया जाता है, प्रारंभ हो गया। 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। तो ये कुछ एक डेट्स हैं जो आपको याद रखनी है। 20 जुलाई 1905 को क्या हुई थी, घोषणा हुई थी, निर्णय की घोषणा हुई थी, यहाँ पर डिसीजन लिया गया और इससे जो है वो प्रभावी हो गया था आंदोलन। बंगाल विभाजन जो है 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हो गया था। बात करें अगले प्रश्न की, अगला हमारा प्रश्न है किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना था। स्वदेशी आंदोलन है, चंपारण सत्याग्रह है, या फिर रोलेट एक्ट विरोधी आंदोलन है, या फिर असहयोग आंदोलन है। दोस्तों क्या है हमारा सही आंसर, तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर एक, स्वदेशी आंदोलन, जिसकी अभी हमने चर्चा भी की थी। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था देखिए, आपको याद होगा अभी अभी हमने चर्चा की है, 16 अक्टूबर 1905 का दिन बहुत ही अहम था क्योंकि इस दिन से बंगाल विभाजन जो है वो प्रभावी हो गया और इसी दिन पूरे बंगाल के अंदर जो है शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। घरों में चूल्हा नहीं जलाया जाता है, लोग उपवास रखते हैं, कलकत्ता में हड़ताल की जाती है, जनता जुलूस निकालती है, जत्थे के जत्थे गंगा स्नान करते हैं और फिर सड़कों पर जो है एक गीत गाते हैं, वंदे मातरम। वंदे मातरम जो है इसको गाते हुए प्रदर्शन करते हैं और इसी कारण से ये वंदे मातरम जो है इस आंदोलन का शीर्षक गीत बन जाता है। लोग एक दूसरे के हाथों पर राखी बांधते हैं ये जताने के लिए कि उनकी एकता के अंदर अंग्रेज सरकार जो है वो दरार नहीं डाल सकती। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि वंदे मातरम जो है स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक शीर्षक गीत बन करके आता है, उभर करके आता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, बंबई, सूरत, इलाहाबाद या फिर लाहौर, क्या है हमारा सही आंसर। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर दो, सूरत अधिवेशन के अंदर। वर्ष 1907 की बात है दोस्तों, कब की बात है, 1907 की। सूरत में 23वां जो है कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता था और उस समय उदारवादी और उग्रवादी जो हैं उनके अंदर अध्यक्ष पद को लेकर के विवाद हो जाता है और इसी कारण से कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, जहां उग्रवादी जो नेता थे वो लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे और वहीं उदारवादी जो हैं वो रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। इन दोनों के मध्य देखिए विवाद था और अंततः रास बिहारी बोस जो हैं रास बिहारी को ही अध्यक्ष बनाने में सफलता मिलती है। सम्मेलन में देखिए उग्रवादियों के द्वारा 1906 में पास करवाए गए स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन का जो प्रयोग था उसको लेकर के भी जो विवाद था वो भी और गहरा हो जाता है और इसी के चलते चलते दोनों के अंदर विभाजन हो जाता है 1907 के अंदर उदारवादी और उग्रवादी के रूप में। बात करते हैं अगले प्रश्न की, अगला हमारा प्रश्न है निम्न में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। चार नाम है हमारे पास में, सर सैयद अहमद खान के द्वारा, सर मोहम्मद इकबाल के द्वारा, आगा खान के द्वारा या फिर नवाब सलीमुल्लाह खान के द्वारा, क्या है हमारा सही आंसर। दोस्तों सही आंसर है हमारा वो है नंबर चार, नवाब सलीमुल्लाह खान। तो यहाँ और कुछ विशेष तो इसमें से नहीं आता है दोस्तों। हाँ थोड़ा सा ये देख लीजिएगा कि सलीमुल्लाह खान, आगा खान, मोहसिन उल मुल्क, ये सारे जो नाम हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन में कई बार थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, एक नाम तो ये है ही, एक आए आगा खां और एक नाम आए मोहसिन उल मुल्क, ये तीन नाम आए
तो तीन नाम आए, तो इसलिए हम इनमें से देखिए आगा खां और ये दोनों नाम आ गए हैं, इसलिए हम सलीमुल्लाह खां को प्राथमिकता देते हैं। बाकी जैसा भी ऑप्शन में आए उसी हिसाब से वरीयता नंबर वन पर ये रहेगा, नंबर दो पे ये रहेगा और नंबर तीन पर ये रहेगा। अगर ये है तो फिर प्राथमिकता ये सही आंसर होगा, अगर ये ऑप्शन में नहीं है फिर आगा खां और ये दो है तो फिर आप इसको रखिएगा, अगर ये भी नहीं है तो फिर आप इसको देख लीजिएगा। ये एक लंबी कहानी है जिसकी चर्चा अपने को यहाँ पर अभी करने की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीच थे और वह अंततः देश का विभाजन भी करवाने वाली बनी, तो ये जो घटना है वो कौन सी थी दोस्तों? इनमें से आपको बतानी है 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना है, या 1905 में बंगाल विभाजन है, या फिर गांधी का खिलाफत आंदोलन है, या फिर देखिए विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों स्थानों का आरक्षण। अच्छे से इसको पढ़िएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों क्या है हमारा सही आंसर। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर चार, विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और स्थानों को आरक्षण दिया गया था, यही था। तो वर्ष 1909 की अपने बात कर रही हैं, तो 1909 के अंदर आया था मार्ले मिंटो सुधार। क्या आया था दोस्तों? मार्ले मिंटो सुधार। और उसका सबसे बैड जो पक्ष था वो ये था कि मुसलमानों को पृथक और सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की सुविधा उपलब्ध करवा दी गई थी, और यही जो सुविधा है वो कालांतर में जाकर के भारतीय सांप्रदायिक जीवन को विषाक्त कर देती है, और ऐसा हम कहें कि देश के विभाजन का बीजारोपण जो है वो इसी के अंतर्गत किया गया था दोस्तों। इसके संबंध में नेहरू जी ने कहा भी था कि इससे उनके चारों ओर एक राजनीतिक प्रतिरोध बन गया, जिससे उनको शेष भारत से अलग कर दिया गया, और ये शताब्दियों में आरंभ हुआ एकता और मिलन की ओर किए गए सभी जो प्रयास थे हमारे उनको उलट देता है, ऐसा नेहरू जी के द्वारा कहा गया था। तो सही मुस्लिम लीग नहीं करना है आपको, ये वाला करना है जो 1909 के बाद में आती है। तो कौन सा था? मार्ले मिंटो सुधार था, सांप्रदायिक जो निर्वाचन जो था वो इसका सही आंसर हमारा आता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 1912 के अंदर जब राजधानी कलकत्ता से लाई गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? दोस्तों बिल्कुल फैक्ट है, अच्छा सा फैक्ट है, तो बताइएगा सही आंसर हमारा क्या है। इनमें से सही आंसर क्या है दोस्तों हमारा? लॉर्ड मेयो था, लॉरेंस था, मिंटो था, या फिर होर्डिंग था दोस्तों? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर चार, लॉर्ड होर्डिंग जो है वो उस समय वायसराय थे। दोस्तों यहाँ पर आप याद रखिएगा, ब्रिटिश काल में दिल्ली जो है दिल्ली राजधानी थी, दिल्ली से पहले जो राजधानी हमारी थी वो थी कलकत्ता, क्योंकि बंगाल पे सबसे पहले कब्जा हुआ था वहीं से था। तो ब्रिटेन का जॉर्ज पंचम भारत आता है 12 दिसंबर 1911 को, बंगाल विभाजन रद्द कर भारत की राजधानी उसके समय कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी। घोषणा 1911 में की गई थी। लॉर्ड होर्डिंग द्वितीय के काल में यह कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हो गई, राजधानी बनी थी 1912 के अंदर 1 अप्रैल। तो जैसा भी प्रश्न में आए उसको देख लेना थोड़ा सा। 12 दिसंबर 1911 के समय बंगाल विभाजन को रद्द किया गया और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी। घोषणा कब हुई थी दोस्तों? 1911 में, और चालू कब की गई थी, लागू कब की गई थी, और ये कार्य करना स्थानांतरित करने के बाद में, यानी दिल्ली राजधानी बनी कब थी? 1912 में। तो यहाँ जब भी ये क्वेश्चन में हो तो उसको अच्छे से देख लेना, वरना थोड़ी सी गलती आपसे हो सकती है। एनी बिसेंट मुख्यतः संबद्ध रही थी किसके साथ में दोस्तों? सविनय अवज्ञा से, गृह शासन से, या फिर खिलाफत आंदोलन से, या फिर असहयोग आंदोलन से, किससे रही थी? क्या है हमारा सही आंसर? अच्छे से पढ़िएगा ऑप्शन को, बढ़िया आसान से ऑप्शन है। तो सही आंसर हमारा वो है नंबर दो, गृह शासन आंदोलन से, यानी कि जिसे हम हिंदी में कहें गृह शासन और इंग्लिश में कहें होम रूल, तो होम रूल कहते ही हमारा सही आंसर हो जाता है। एनी बिसेंट जो है होम रूल आंदोलन से संबंधित थे। भारत में होम रूल आंदोलन या होम रूल लीग की स्थापना की योजना मूल रूप से एनी बिसेंट के द्वारा ही बनाई गई थी दोस्तों, और होम रूल की आंदोलन की जो व्याख्या है 1914 के अपने पत्र कॉमनवेल, कौन सा पत्र है? कॉमनवेल के अंतर्गत जो एनी बिसेंट के द्वारा की गई थी, और उसके अंतर्गत जो कहा गया था ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्य को ध्यान में रख करके धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा, सामाजिक राजनीतिक सुधारों का एक कार्यक्रम बनाया जाए। और ये जो आंदोलन है वो प्रथम
विश्व युद्ध 1914 की बात है, इसलिए अपने कह रहे हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय भी रहा था दोस्तों। इसके बाद में बात करते हैं अगले प्रश्न की, निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था, आपको इनमें से बताना है। और बड़ा ही फैक्चुअल क्वेश्चन है और आसान सा क्वेश्चन भी है, इनमें से आपको बताना है महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था दोस्तों। क्या है सही आंसर चेक करिएगा, वो है नंबर 3 चंपारण सत्याग्रह। दक्षिणी अफ्रीका से महात्मा गांधी लौटते हैं 1915 में और अपना पहला जो सफल सत्याग्रह है उसका प्रयोग होता है बिहार के चंपारण के अंदर, बिहार के चंपारण में जो किया गया था 1917 के अंदर। टाइम भी आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न, उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्न आपके सही होंगे और आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा दोस्तों। अगर आपने सीखा है तो आपको इस वीडियो को शेयर कर देना चाहिए, लाइक भी कर देना चाहिए। और हाँ एक बार फिर से याद करवा दूँ, अगर आप हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फ्री टेस्ट देना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ आप मेरे द्वारा करवाए जाए किसी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी भी एक अलग एप्लीकेशन है जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये कोर्स आपके लिए लाभदायक होगा, ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और जानकारी के साथ। तब तक बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।